हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेली रिपोर्टर। आज हम आ चुके हैं बिग बॉस 15 के घर के अंदर और आज हम आपको बिग बॉस 15 का पूरा घर दिखाने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस बार बिग बॉस 15 की थीम है संकट इन जंगल और इस बार बिग बॉस 15 का जो ये घर है वो जंगल थीम से इंस्पायर्ड होगा। और इस बार सारे कंटेस्टेंट्स को जंगल में संकट का सामना करना पड़ेगा। इनिशियल फ्यू वीक्स में सारे कंटेस्टेंट्स इसी जंगल एरिया में रहने वाले हैं। सारे कंटेस्टेंट्स बाहर जंगल एरिया में और अंदर एक बेडरूम है, वो भी जंगल थीम से इंस्पायर्ड है। सारे कंटेस्टेंट्स को केवल 3 बेड्स दिए जाएंगे और ये बेड्स ऐसे नहीं हैं जैसे हर बार कंटेस्टेंट्स को दिए जाते हैं, क्योंकि इस बार कंटेस्टेंट्स को इनिशियली लग्जरी से डिप्राइव रखा जाएगा। इसलिए सारे कंटेस्टेंट्स को केवल 3 बेड्स दिए जाएंगे, वो भी ग्रास लगे हुए। जी हाँ, उन बेड्स पर सोना तो क्या, बैठना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। इसी में सारे कंटेस्टेंट्स इस पर कैसे सो पाएंगे ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। जब सारे कंटेस्टेंट्स सारे जंगल के संकटों को पार कर लेंगे तब उन्हें मिलेगा मुख्य घर में एंट्री, पर इस जंगल थीम घर से काफी ज्यादा अलग और काफी ज्यादा लग्जरियस होगा। और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट्स इनिशियल फ्यू वीक्स में इतने सारे संकटों का सामना जो करने वाले हैं। जंगल थीम वाले घर में हर एक चीज पूरी की पूरी जंगल से इंस्पायर है, चाहे वो सिटिंग एरियाज हो, झूले हो या हो घर का स्विमिंग पूल। पर ऐसे में जब सारे कंटेस्टेंट्स लग्जरियस घर में चले जाएंगे तब ये देखना दिलचस्प होगा कि स्विमिंग पूल वाला जो एरिया है उसे नॉर्मल स्विमिंग पूल में कन्वर्ट किया जाता है या नहीं। हमेशा से जो बिग बॉस का गार्डन एरिया देखा जाता है वो इस बार एक जंगल में तब्दील कर दिया गया है। पूरे के पूरे गार्डन एरिया को दिया गया है एक वाइल्ड जंगल टच। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं बिग बॉस के इस बार के सबसे टॉक्ड अबाउट ट्री यानी विश्व सुंदरी के पास। जैसे कि आप जानते हैं, इस बार वेटरन एक्ट्रेस रेखा देने वाली है इस विश्व सुंदरी को आवाज। इस पेड़ को अपनी आवाज देंगी लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पेड़ वाकई में बेहद ज्यादा खूबसूरत है। पिंक फ्लावर्स, मिर्ची लाइट्स और ब्यूटीफुल पत्तों के साथ इस पेड़ ने विश्व सुंदरी की शोभा बढ़ा दी है। इस पेड़ से अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो आपको एक छोटी सी झील देखने को मिलेगी। इस बार स्विमिंग पूल ना रखकर जंगल थीम को दिमाग में रखते हुए मेकर्स ने स्विमिंग पूल को दे दिया है एक झील का मेकओवर। इस झील में प्यारे प्यारे वाइल्ड फ्लावर्स भी देखने को मिल रहे हैं। इस झील को कंप्लीट किया गया है एक छोटे से ब्रिज से। वेल, ऐसा माना जा सकता है कि इस बार बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट्स इस ब्रिज पर बैठकर भी अपना वक्त बिताते, एक दूसरे से बातें करते नजर आ सकते हैं। इस पूल यानी झील एरिया को बिग बॉस की एक बड़ी सी आंख देखी जा सकती है। इस झील से अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको सिटिंग एरिया की तरफ। क्योंकि इस बार बिग बॉस की थीम है जंगल थीम, इस थीम को ध्यान में रखते हुए इस बार सिटिंग एरिया को भी दिया गया है एक जंगल टच, बेंचेस से लेकर बाहर रखी गई टेबल्स तक। हर एक चीज जंगल थीम से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर बैठने के लिए एक सोफा रखा गया है और वो भी जंगल थीम से इंस्पायर्ड है और ग्रास से ढका हुआ है। सिटिंग एरिया में थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक ऑस्ट्रिच का शोपीस भी देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कंटेस्टेंट्स के बैठने के लिए एक झूला भी देखा जा सकता है। वाली ये झूला भी जंगल थीम से इंस्पायर्ड है और पूरा का पूरा घास और लकड़ी से बनाया गया है। कंटेस्टेंट्स की बाहर जंगल एरिया से एंट्री होगी बेडरूम एरिया में। वेल, हम आपको बता दें, बेडरूम एरिया और किचन पूरा एक ही रखा गया है। वेल, इस बार बिग बॉस 15 का घर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। इनिशियल फ्यू वीक्स के लिए कंटेस्टेंट्स को जंगल एरिया में रहना पड़ेगा और जंगल में संकटों का सामना करना पड़ेगा। इन्ही
बड़ी संकटों में से एक है बिग बॉस 15 का जंगल थीम से इंस्पायर्ड बेडरूम एरिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिग बॉस 15 का बेडरूम एरिया पूरा का पूरा जंगल थीम से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर केवल 3 बेड्स कंटेस्टेंट्स को प्रोवाइड किए गए हैं और ये बेड ऐसे नहीं हैं जैसे हर बार देखने को मिलते हैं। इन बेड्स पर सोना तो क्या, बैठना भी कंटेस्टेंट्स का दुश्वार होगा। ना कोई चादर, ना कोई ब्लैंकेट और ना ही कोई मैट्रेस। कंटेस्टेंट्स को बेड पर लगी घास पर सोना और उठना पड़ेगा। किचन एरिया की भी अगर बात करें तो बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट्स को लग्जरी से डिप्राइव रखा जाएगा, जिसके चलते किचन एरिया में भी गैस के अलावा कोई भी सुविधा कंटेस्टेंट्स को नहीं दी जाएगी। यहां तक कि कंटेस्टेंट्स को अपने इनिशियल फ्यू वीक्स में रेफ्रिजरेटर से भी डिप्राइव रखा जाएगा। बाथरूम एरिया की अगर बात करें तो बाथरूम एरिया काफी ज्यादा खूबसूरत बनाया गया है। बाथरूम एरिया में अंदर कंटेस्टेंट्स को बैठने के लिए बैम्बू से इंस्पायर्ड एक चेयर भी रखी गई है। जब कंटेस्टेंट्स अपने इनिशियल फ्यू वीक्स में संकटों का सामना करने पर सक्सेसफुल रहेंगे तो उनकी एंट्री होगी बिग बॉस के मेन हाउस में। और बिग बॉस का मेन हाउस कैसा होगा, इसकी झलक भी हम आपको जल्द ही बताएंगे।
पर बिग बॉस 15 के इस जंगल थीम घर पर क्या है आपका कहना, हमें कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताएं। बिग बॉस 15 से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।